ESBI, ये कॉन्सेप्ट आप अब तक बहुत बार सुन चुके हैं, बहुत बार समझा भी चुके हैं। अब आप इसको सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है? इसे कहते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट, राइट? सो ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट एक्चुअली कैसे काम करता है ये आपको बताना सीखना है। यहां गलती हो रही है, ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आप मेरे से इत्तफाक ना रखते हो, लेकिन अगर आपको ये बात मेरी लगता है कि हाँ कुछ इस तरीके से बात करके हमारा सक्सेस रेशो बढ़ सकता है, तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कीजिएगा। तो जहां आपने ई और एस लिखा है, अब आप ये देखिए, ये सब कुछ पहले आप अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, जिससे कि आप समझ सकें आपने सामने वाले को कैसे समझाना है। तो जो वो ई है, दैट इज एम्प्लॉई, विच मीन्स कि जो भी कोई कहीं पर भी काम करता है, कोई भी फिक्स वर्किंग आवर्स, जहां वो अपने वर्किंग आवर्स को देने के बाद हर एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद इनकम मिलती है उसे, तो वो कहलाता है इम्प्लॉई, और वो ई कैटेगरी जहां हमने ई लिखा है वहां पर प्लेस हो गया। अब हम में से जितने भी लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, वो अपने उस कैटेगरी के आगे सेल्फ लिख लें या वन लिख लें, जैसा भी आप उसको कैटेगराइज करना चाहते हैं जरूर लिखिए। आप इससे अराइव होंगे हाउ मेनी सोर्सेस ऑफ इनकम यू हैव। आई रिपीट, ई जहां आपने ड्रॉ किया है उस ई वाले पोजीशन पर अगर आप एक्टिव कहीं जाते हैं काम करने, फिक्स वर्किंग आवर्स देते हैं, और उस टाइम को देने के बाद आपको मनी मिलता है, जो सैलरी भी हो सकता है, जो जिसे कहते हैं इंसेंटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिक्स टाइम देने के बाद वो आपको फिक्स मनी मिलता है। टाइम भी फिक्स है और मनी भी फिक्स है। उसके बाद आता है दूसरा कैटेगरी, सेल्फ एम्प्लॉयड, ये स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर्स होते हैं। अगेन यहाँ पर भी एक्टिवली काम पे जाना जरूरी है, तभी मनी का आना होता है। ई और एस जिस तरफ आपने लिखा है उस तरफ आप एक्टिव इनकम या एक्टिव वर्ड लिख लीजिए। बोरिंग लग भी रहा हो तो प्लीज मेरे को अंत तक जरूर सुनिएगा, आपका आज फायदा ही होगा। एक्टिव इनकम, अब आपने ई और एस कैटेगरी को अगर अच्छे से समझ लिया और आपको समझाना आ गया, जो एक छोटी सी हम मिस्टेक करते हैं जब हम बताते हैं, तो हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स बताते हैं। वी शुड नॉट यूज एनी नेगेटिव वर्ड फॉर एनी वन। वी आर नो वन टू से दैट योर वर्क इज नॉट गुड एंड माई वर्क इज टू गुड। हम कौन होते हैं किसी को ये बोलने वाले कि आप जो काम कर रहे हो उस काम में गलतियां हैं, आप जिस भी मतलब की कॉन्सेप्ट को मानते हो वो गलत है। वी आर नोबडी, बिकॉज एक साइकोलॉजिकल पॉइंट को समझिए, आप जैसे ही किसी भी इंसान को, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, चाहे आपका फैमिली मेंबर हो, चाहे आप किसी अननोन से बात कर रहे हैं, द मोमेंट आप ये बोलते हैं कि तुम जो ये कर रहे हो ये गलत है, तो हम एक फेंस क्रिएट कर देते हैं जहां सामने वाला अब डिफेंस मोड में है और वो आपकी बात को पॉजिटिव नोट के साथ नहीं सुनेगा। दिस इज प्रूवन फैक्ट, आप अपने आस पास आजमा के देख लीजिए। सो अब आ गया हमारा एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, राइट? नेक्स्ट हम चलते हैं बिजनेस ओनर, जहां पर एक सिस्टम होता है और नेटवर्क होता है, जहां सिस्टम बनाने में एफर्ट लगता है, एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, उसमें उसको सीखा जाता है, और उसके बाद वो सिस्टम जब काम करने लगता है वो ऑटो मोड में चला जाता है, देन ये एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बनता है, ये एक इनकम का स्ट्रीम है, ये भी हम ट्राई करते हैं। इसके बाद लास्ट वाले कॉलम में आपका जहां आई लिखा हुआ है वहां पर इन्वेस्टर आता है, जो अगेन पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, विच मीन्स मनी इज वर्किंग फॉर द अदर पर्सन। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम को जब आप समझ लेंगे और
आपको ये बताना आ जाएगा कि क्यों हमारे लिए ये चारों सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छी चीज है। जब आप किसी भी वेल्दी या वेल्थ क्रिएटर या किसी सेलिब्रिटी बिजनेस टाइकून का रेफरेंस अगर देते हैं, आप खुद से समझ के चलिए कि उसके पास भी कई सोर्सेज ऑफ इनकम है। 8 to 10 सोर्सेज ऑफ इनकम दे है, वो भी किसी पॉइंट पे स्क्रैच से स्टार्ट हुए थे, धीरे धीरे करते करते उन्होंने ग्रो किया और अपने सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाए। अगर वो बिजनेस ओनर हैं तो दैट डज नॉट मीन कि उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट वाला एस्पेक्ट खत्म कर दिया। सो समझाने वाली बात इसमें है कि आप जो आपने चार्ट बनाया था, उस चार्ट में आप अपने लिए टिक करिए या लिखिए आप इन चारों कैटेगरी में से कितनी कैटेगरी में फॉल करते हैं, यू फॉल अंडर हाउ मेनी कैटेगरीज। दैट इज द बेसिक थिंग जो जब आप अपने आप को समझा लेंगे, सेम वे में आपने दूसरे से पूछनी है। बिकॉज पर्पस है अपने सोर्सेस ऑफ इनकम को इंक्रीज करना, ना कि किसी के भी सोर्स ऑफ इनकम को क्रिटिसाइज करना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ESBI एक्चुअली क्रिएटिंग मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है, अंडरस्टैंडिंग है, और अपने आप को ग्रो करना है। फिर आप जिस फील्ड में मास्टर हो जाते हैं, जिस प्रोफेशन में, जिस भी कैटेगरी में आप मास्टर हो जाते हैं, उसके अंदर आप फिर फाइनली सेटल हो जाते हैं। दैट इज वाई कैश फ्लो क्वाड्रेंट को समझिए, और बेटर तरीके से समझाने का जब आप करेंगे तो प्रोस्पेक्टिंग में आपको कई गुना फायदा मिलेगा रिजल्ट्स में। अब इसका एक और एंगल समझिए, जो आप जब आप खुद को समझा लिया, अब आपके चार्ट में आपके सामने है, अगर आप लिख रहे थे तो आपके सामने है आपके पास कितने सोर्स ऑफ इनकम है। उस सोर्स ऑफ इनकम के आगे अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि किस तरफ का एक्टिव इनकम है और किस तरफ की साइड पैसिव इनकम है। जब आप एक्टिव और पैसिव को क्लियर करना समझ जाएंगे, एक्टिव इनकम जहां आपका कांस्टेंट अटेंशन देना जरूरी है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है, वेयर एज पैसिव सोर्स ऑफ इनकम में इमीडिएटली ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सो दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस। दूसरी चीज, ये एक और हम डिफाइन बहुत बार सिखा चुके हैं, रेड ओशियन इंडस्ट्री है। एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम जो है ये रेड ओशियन इंडस्ट्री है, यहाँ ब्लड बाथ है एक तरीके से। क्यों, कैसे, ये काम सब कोई करना चाहता है। सब कोई चाहता है कि मैं फिक्स काम कर लूं और मुझे बदले में पैसे मिल जाए एंड आई एम हैप्पी। लेकिन उसके बाद वो इस चीज को लेकर के क्रिटिसाइज भी करना चाहते हैं कि मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है क्योंकि मुझे नौकरी करनी है। नौकरी मतलब नो मत कर और नौकरी कर। सो दैट इज रेड ओशियन इंडस्ट्री, जहां आपकी मर्जी नहीं चलती, आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं। सो ये जो एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है, ये 95% लोग इसी को करना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ एक फिक्स इनकम उन्हें मिलती है, लेकिन फिक्स इनकम मिलती है लेकिन उनके पास वेल्थ कभी नहीं होती। ये आपको समझाना आ गया, आपकी प्रोस्पेक्टिंग में बहुत फर्क आपको देखने को मिलेगा। जब आप क्वालिटी बात करेंगे तब आपको क्वालिटी दिखेगी, देर लगेगी बट श्योरली आपको रिजल्ट्स सामने आएंगे। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, ब्लू ओशियन। ब्लू ओशियन क्या है? ब्लू ओशियन ऐसी इंडस्ट्री है जहां इमीडिएटली जब फायदा नहीं मिलता तो लोग क्विट कर जाते हैं, या उस तरफ नहीं आते, या उसके बारे में इतनी नेगेटिविटी होती है कि उन्हें वो समझाना नहीं आता। बेसिकली उन्हें वो समझाना नहीं आता कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे बिजनेस ओनर सिस्टम इनकम बेटर है बजाय के इन्वेस्टर होना। ये आपको सिखाना आना चाहिए एज एन इन्वेस्टर, कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं उसमें, कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी, यू रियली डोंट नो। दैट इनवाइट्स रिस्क। तो आप रिस्क फैक्टर बताते हुए इनकम, अगर आपका एपेटाइट है कि अगर आप रिस्क भी ले सकते हो और ग्रो भी कर सकते हो, वंडरफुल, व्हाई नॉट। बट एवरीबॉडी इज नॉट मेंट फॉर दैट रिस्क एपेटाइट, उसका इतना रिस्क एपेटाइट नहीं होता। तो अगर कोई सेफ जाना चाहता है तो उसको ये वाला ब्लू ओशन इंडस्ट्री, जो कि
जिसमें एकदम आते ही सक्सेस नहीं मिलती, या एकदम आज पैसे डाले और कल पैसा आने लगे, वैसा नहीं मिलता। तो वो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम ब्लू ओशन इंडस्ट्री का हिस्सा है, जहां बहुत स्कोप है, पर डर के मारे लोग इस तरफ नहीं आ रहे, या जो आए थे वो भाग गए, सॉरी फॉर माय वर्ड, बट जो क्विट कर गए। देन ये जो इंडस्ट्री है, ये सिर्फ 5% लोग इस काम को करते हैं, और जो ये 5% लोग इस काम को करते हैं, वो पूरी वेल्थ का 95% उनके होल्ड में होता है। ये फैक्ट है एक स्लाइड के तौर पे जो मैं आपके सामने लाई। अब इसको आप जब आपने अपने ऊपर जब लिखा होगा, तो आपके सामने एक पिक्चर निकल के आई होगी कि मैं किस किस कैटेगरी में फॉल करता हूँ, और मैं कैसे लोगों को भी समझा सकता हूँ। जब तक आप अपने ऊपर रखकर बात नहीं करेंगे, स्टोरी टेलिंग मोड में नहीं जाएंगे, अब उनको कनेक्शन बिल्ट नहीं होगा। तो दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप व्हेन वी आर डूइंग एटमी एज अ बिजनेस। एटमी एज अ बिजनेस करना है तो कनेक्शन रिलेशन बिल्ड करना जरूरी है। सिर्फ एक या दो या चार या पांच प्रोडक्ट बेचकर आप सिस्टम इनकम नहीं बना सकेंगे। सिस्टम इनकम बनाने के लिए जो भी आपके साथ जुड़े, आपको उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना चाहिए कि वो आपके साथ कैसे कनेक्ट हुए हैं। वो अगर सिर्फ बिजनेस को आपके साथ जुड़े, उनको कुछ प्रोडक्ट अच्छे लगे, सिर्फ उतने तक अगर है, तो फिर उनको इतनी डेप्थ की ट्रेनिंग मत दीजिए कि वो घबरा के चले जाए। तो वी नीड कंज्यूमर्स, वी नीड ऑटो कंज्यूमर्स एट द सेम टाइम, जिनका बिजनेस माइंडसेट है, जिनका ग्रोथ माइंडसेट है, उनको ये डिटेल ट्रेनिंग्स जरूर दीजिए। उन्हें बुलाइए ऐसे सेशंस में, इन बिटवीन भी लगता है कि ये उनके काम का हो सकता है तो बुलाइए उन्हें, क्योंकि एफर्ट लगता है सेशंस को क्रिएट करने में। सो अब ये स्लाइड हमारी कंप्लीट हो गई, जो ये कहती है कि रेड ओशन इंडस्ट्री एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है, जो 95% लोग करना पसंद करते हैं, लेकिन वो वेल्थ क्रिएटर नहीं होते। अगेंस्ट ब्लू ओशन इंडस्ट्री, जो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, और ये सिर्फ 5% लोग करना पसंद करते हैं, बट अगर वो इसे सलीके से करें तो उनके पास 95% वेल्थ का सोर्स बनता है, और वो वेल्थ क्रिएटर में कन्वर्ट होते हैं जब वो एटमी बिजनेस को सिस्टम इनकम में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ लेट्स सम अप। ESBI हम बना चुके हैं, अब इसे बेहतर तरीके से समझ चुके हैं, तो अब हम इसे कंक्लूड करेंगे बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए। यूज योर एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम टू फंड योर एटमी बिजनेस। डू एटमी बिजनेस विद चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच। जैसे अपने बच्चों को पालते हो ना, वैसे एटमी में ग्रो करिए, वैसे एटमी को ग्रो करिए। उम्मीद मत रखिए, अपना काम करते जाइए। स्टार्ट पार्ट टाइम एंड देन फाइनली कन्वर्ट इनटू फुल टाइम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एटमी एक ऐसा सोर्स है जो आपके लिए सिस्टम इनकम बना सकता है। जिस वक्त ये आपको क्लियर हो गया कि मुझे अगर इसमें, देखो एक्टिव इनकम से आप खर्चे करते हो, आप कमा के लाए, घर की जरूरत का सामान खरीदने के लिए आपने पैसा लगाया, तो कमा ही इसीलिए रहे हो ताकि अच्छे से जीवन जी सको। अब उस एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम को आप कहीं ना कहीं तो खर्च करते ही हैं, तो वो सारे चीजें, वेलनेस है, गुड स्किन केयर है, गुड हेल्थ केयर है, गुड लिविंग, अच्छी जिंदगी जीना, हेल्दी जिंदगी जीना, अगर आप करते हैं अपने रोजमर्रा के खर्चों में, वो आप एटमी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, इस बिजनेस को एक बच्चे की तरह ग्रो करते हैं, इससे प्यार करते हैं, आपको ये पसंद है कि जब भी एटमी की बात हो यू फील गुड, तो ये धीरे धीरे आपका पार्ट टाइम बिजनेस फुल टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरीके से आप एक सिस्टम इनकम को क्रिएटर बनेंगे।